बस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा साह। देखिए आज की खास रिपोर्ट। गया जिले के नगर प्रखंड परिसर के अंदर गाड़ी पार्क करने को लेकर बीडीओ बलवंत पांडे और प्रमुख सरिता देवी के बीच ठनबन हो गई। साथ ही इसमें राजनीति भी शुरू हो गई। प्रखंड प्रमुख सरिता देवी का आरोप है कि बीडीओ बलवंत पांडे ने हमें महादलित होने के कारण कहा कि यहां हमारी गाड़ी पार्क होगी, यहां से गाड़ी हटवाइए। प्रमुख का सीधा आरोप है कि महादलित होने के कारण बीडीओ हमारे साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं कर रहे हैं, जबकि बीडीओ का कहना है कि यह मनमाने तरीके से योजनाओं को पास कराने के लिए नया हथकंडा अपना कर मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। हमने ऐसा उन्हें कुछ भी नहीं कहा है। प्रखंड प्रमुख सरिता देवी ने बताया कि उर्वरक समिति की आज बैठक बुलाई गई थी। बैठक में समिति से जुड़े लोगों को शरीक होने के लिए आ रहे थे, क्योंकि बैठक प्रखंड प्रमुख की अध्यक्षता में होनी थी, तो हम पहले पहुंचे, गाड़ी खड़ी कर अपने कक्ष में आ गए। इसी बीच बीडीओ ने कहा कि गाड़ी जहां पर आपने खड़ी की है वहां से हटाइए, वहां हमारी गाड़ी लगती है, आप अपनी गाड़ी बाहर ले जाइए। यह बात कहकर वह चले गए। क्योंकि हमारी गाड़ी हमारा ड्राइवर चलाता है और वह मौके पर नहीं था, इस वजह से गाड़ी नहीं हटवा सकी। बीडीओ ने ऐसा जानबूझकर किया है क्योंकि हम महादलित परिवार से आते हैं। वहीं दूसरी ओर इस बात की जानकारी मिलते ही पंचायत समिति सदस्य मौके पर जुट गए। काफी गर्मा गर्मी होने लगी। इसके बाद प्रखंड प्रमुख सरिता देवी SC/ST थाने पहुंच गई और वहां उन्होंने बीडीओ के खिलाफ लिखित में शिकायत दी है। वहीं बीडीओ ने भी चंदौती थाने में घटना की सूचना दी है। आपकी गाड़ी से भी पब्लिक को दिक्कत है, प्रमुख को भी गाड़ी से दिक्कत है। दोनों गाड़ी आप लोग जब आइए तो पेड़ के पास लगा, वहाँ लगाई, मैं तो नहीं कर सकता, आप दोनों डिसाइड कर। यह मामला हम किसान भवन में मीटिंग था तो हम आए हैं, तब गाड़ी लगा दिए तो ही बोला बीडीओ साहब की गाड़ी हटाइए, तक क्या हम महादलित है, तक हमको कोई अति नहीं है, तो हम बोलाए चैम्बर ने, तो बीडीओ साहब ने, यहाँ डिलीवर नहीं था, डिलीवर चल गया था, कैसे हम गाड़ी हटाए रास्ता पर से। वीडियो साहब का गाड़ी कहाँ पे लगता है? वीडियो साहब को वहीं पर गाड़ी लगता है। तो आप लगा दिए तो क्या दिक्कत हो गया? दिक्कत उनको कहे कि गाड़ी हटा दीजिए, तो गाड़ी हम बोले कि डिलीवर है या नहीं, डिलीवर आएंगे तो हम गाड़ी हटा देंगे, आइए हमसे मिलिए चैम्बर ने, तो चैम्बर ने नहीं मिला वीडियो साहब। तो क्या कारण है कि आपको गाड़ी हटाने के लिए बोल रहे हैं? महादलित समझ के गाड़ी हटा रहे हैं बोले। पहले भी इस तरह का व्यवहार किया है? पहला हूँ इस तरह के व्यवहार बोले। क्या बोलते हैं? महादलित हो हटाइए अब गाड़ी। चैम्बर में आपसे आपसे बातचीत हुई? चैम्बर में आप शब्द भी उन्होंने बोला आपके साथ, आप शब्द व्यवहार किया चैम्बर में, आप गए थे? चैम्बर ने नहीं गए थे, वीडियो से हम बोले थे। परिचय आप अपना बता दीजिए। प्रमुख सरिता देवी नगर प्रखंड। चपरासी गाड़ी लग गया बड़ी, हाँ चपरासी गाड़ी लगा हुआ है बड़ी, हटाइए या चपरासी आके बैठे। उर्वरक समिति का बैठक था, वो बैठक प्रखंड स्तरीय प्रमुख की अध्यक्षता में होता है, हम भी JDU के प्रखंड अध्यक्ष हैं, तो हमें भी लेटर मिला था कि आज बैठक में जैसे इसे और पंचायत समिति भी ग्राम पंचायत भूटिया से निर्वाचित हुए हैं, लेकिन माननीय प्रमुख महोदय के द्वारा फ़ोन गया मेरे पास, हमसे पहले ही पहुँच चुकी थी, हम किसी कारणवश से लेट हो गए थे, लेकिन प्रमुख महोदय फ़ोन किए कि यहाँ पर आइए, जब बोले इस तरह का घटना, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा इन्हें अभद्रता व्यवहार करते हुए, जबकि सरकार के नियमानुसार प्रखंड का सर्वोपरि प्रमुख होती है, फिर भी प्रमुख अपने चैम्बर में जाने के लिए क्या ये गेट के बाहर अपनी गाड़ी खड़ा करके पैदल जाएंगे? वह मेन यहाँ पे बाहरी गेट, उनका कहना है कि आप प्रमुख हैं तो आप बाहर गेट पर लगाइए गाड़ी, और ये अपने प्रमुख की जो नियमानुसार यहाँ पर गाड़ी जहाँ पर मतलब मेन गेट है अंदर अपना गाड़ी को लगा के अंदर अपना चैम्बर में गए, बाकी सब समिति लोग आने के बाद ये मीटिंग में शिरकत करने के लिए जाने के लिए सबको बुला रहे थे, इसी बीच हमें ये फ़ोन किए कि प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बोल रहा है कि गाड़ी यहाँ से हटाइए, तो अगर इस तरह के हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी का रवैया है जनप्रतिनिधि के खिलाफ तो ये बहुत बड़ी गलत बात है। ये सरकार सबके हित के लिए काम करता है, सबके लिए काम करता है, अगर प्रखंड विकास पदाधिकारी को और पूरी सरकार ने पहले ही हिदायत दी है सभी पदाधिकारी को, चाहे जिला स्तर को हो, प्रखंड स्तर को, राज्य स्तर को, सभी पदाधिकारी को हिदायत है कि आप अपने जनप्रतिनिधि को सम्मान करें,
उनको सम्मान के साथ बैठाएं, लेकिन इस तरह का दुर्व्यवहार, ये जैसा आरोप लगा रहे हैं, यहाँ पे प्रखंड प्रमुख महादलित समाज से आते हैं, और आप लोग के भी माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि अगर ये महादलित समुदाय के नहीं होते तो क्या हमको तो ना लगता कि प्रखंड विकास पदाधिकारी की इतना ताकत होता कि इस तरह से व्यवहार करते हैं। इसकी शिकायत डीएम से भी करेंगे क्या? हाँ, ये तो पूरे प्रमुख का जो पंचायत समिति जितने भी हैं, इसकी शिकायत वरीय पदाधिकारी संबंधित मंत्री से भी किया जाएगा। इस तरह का रवैया अगर किसी प्रमुख के साथ कर रहे हैं तो ये गलत है उनका। उनको व्यवहारिकता में ज्ञान होनी चाहिए कि प्रमुख क्या होता है। अगर वो अपने व्यवहारिकता में सुधार नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी लोग कदम भी उठा सकते हैं। आंदोलन की तो बात जरूर आगे है, लेकिन हम लोग उनके खिलाफ किसी भी हद तक लोग जाएंगे, चाहे जिला पदाधिकारी हो, संबंधित मंत्री हो, कहीं भी जाके इनके खिलाफ हम लोग शिकायत करेंगे। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें।